दोस्तों करीबन हम लोग 20 से 25 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं पाथीवारा मंदिर। अभी हम लोग आ चुके हैं जो पाथीवारा मंदिर, जो कि छोटा पाथीवारा मंदिर है यहाँ पे, जो कि यहाँ से हम लोग को सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे जो टोटल सीढ़ियाँ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है 1041 सीढ़ी, जम्मा सीढ़ी 1041। तो यहाँ पे 1041 सीढ़ियाँ है जो कि स्टेप हम लोग को लेके मंदिर के वहाँ पे जाना ही होती है। तो लेट्स स्टार्ट। करीबन हम लोग 20 से 25 सीढ़ी चढ़ चुके हैं तो और हम लोग जा रहे हैं अभी और सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। तो आशा करते हैं हम लोग बिना थके हुए ही पहुंच जाएंगे उधर पे, जैसे कि वहाँ पर दो कपल्स भी, एक कपल्स भी जा रहे हैं सीढ़ियाँ चलते हुए। और अभी से ही मुझे थकावट महसूस हो रहा है क्योंकि सीढ़ियाँ जो है काफ़ी स्लोप में है। तो हम लोग अभी आस्ते आस्ते करके चढ़ाई करेंगे और साथ में बारिश भी हो रहा है। और ये जो मंदिर है इसको पाथीवारा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि छोटा छोटी पाथीवारा मंदिर है। इसका बढ़िया भाषण बड़ा है जो पाथीवारा है, जो कि तापले जी के अंदर में पड़ता है और जो है यहाँ से काफ़ी दूर है। चलते हैं तीसरी मंदिर हो ना, चलो चलो। शायद मुझे लगता है हमारा कैमरा मैन फंस गया है मतलब गटन टंग कुछ दीजिए और दोने का बात कर रहा है, चल नहीं पा रहा है, वो दोने का बात कर रहा है। चलो चलो कैसे चढ़ाई करने, हाँ हाँ कैसे चढ़ाई करने से तुम्हारा वेट भी कम हो जाएगा। अरे वो हाई टेक नहीं हो इसको, मतलब खुद ही नहीं रहे हाइक एक्सरसाइज टाइम ही नहीं। तो दोस्तों ये जो है हम लोग इतना सीढ़ी चढ़ाई करके आ चुके हैं और इससे भी ज्यादा सीढ़िया चढ़ाई करना है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पर आए दर्शन के लिए, वैसे तो हम लोग यही रास्ता हम लोग कनियम जा रहे थे, तो हम लोग रास्ते में प्लान बना लिए कि हम लोग कनियम सॉरी ये मंदिर में आके थोड़ा दर्शन करने को। ये दौड़ रहा है बाहुबली, दौड़ रहा है बाहुबली। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कम सीढ़ी चढ़ाई करने के बाद में भी क्यों हम लोग थक रहे हैं, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि कैसा है ये सीढ़ी। तो दोस्तों शायद कैमरे में उतना आपको पता नहीं चल रहा होगा कि यह जितना स्लो है ये सीढ़ी का, जितना मुश्किल
हो रहा है हम लोग को चढ़ाई करने में, लेकिन इतना शायद क्लियरिटी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन काफ़ी ये ढालू है, स्लोप है, इसीलिए हम लोग इतना जल्दी थक गए। 1041 सीढ़ीज है और हम लोग को आधा से भी ज़्यादा सीढ़ी पार करना है तभी हम लोग पहुँच जाएंगे माता के दर्शन के लिए। तो और चलते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ाई करते हैं। और ये देखिए हमारा भाई का हालत कैसे होके रखा है। तो ये है सीढ़ी जो अभी तक हम लोग चढ़ के आ चुके हैं। तो दोस्तों करीबन आधा जर्नी हम लोग पार कर चुके हैं। और ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं और वहाँ पर आप देख सकते होंगे वो तो और भी काफ़ी ऊंचाई में है। और ये जो सीढ़ी मैं चढ़ रहा हूँ दोस्तों आप लोग के लिए है। और लेकिन आपने शायद मेरा लास्ट ब्लॉग जो कि नेपाल टूर में आप देखे होंगे कि मैं मुक्तिनाथ दर्शन के लिए गया था मुस्तांग मुक्तिनाथ में, वहाँ पर जो उतना ठंडा जो कि नियर अबाउट 0 degrees था वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पर जाके मैं जो नाया वहाँ का जो होली बात किया मैंने मुक्तिनाथ दर्शन के साथ साथ में मुक्तिनाथ में मैं नाया बातिंग किया, तो वो देख के उसके कंपैरिजन में ये जो सीढ़ियाँ चढ़ना ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ आप लोग को नए नए जगह दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा ब्लॉग्स में इंक्लूड कराने के लिए कर रहा हूँ। और ऐसे ही ब्लेसिंग रहा आप लोग का और भगवान का, तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे प्लेस आप लोग को दिखाता रहूँगा, बस आप मेरे को सपोर्ट करते रहना। और विद द स्मॉल हेल्प ऑफ सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एंड लाइकिंग माई ऑल वीडियोज। तो गाइस और फिर से देखते हैं इस जर्नी को। सो गाइस अभी उतना ज़्यादा सीढ़ियाँ बाकी नहीं रहा, काफ़ी कम सीढ़ियाँ है और आई एम नियर टू फिनिशिंग लाइन, क्योंकि ये अभी 10-15 सीढ़ियाँ बाकी है। और मेरा भाई जो है अभी भी नीचे ही है, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। फाइनली गाइस आई डिड इट एंड मेरा भाई है जो कि अभी तक वहीं पर है। एंड अभी मैं पहुंच चुका हूं पाथीवारा मंदिर आफ्टर मैनी ऑफ हार्ड वर्क। सो गाइस नाउ वी आर एंटरिंग टू पाथीवारा मंदिर। क्यों यो करिया Oh,
सो गाइस फाइनली अभी आफ्टर पूजा हम लोग रिटर्न हो रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे कन्याम की ओर। वेदर काफ़ी यहाँ पर फॉगी वेदर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फॉग लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ का वेदर और भी बिगड़ सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट और अभी चलते हैं कन्याम की ओर। दोस्तों मैं जब पूजा कर रहा था तो मैं एक्चुअली वो बंदर बहुत था वहाँ पे, जैसे कि मैं वहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ा रहा था, भगवान को चढ़ा रहा था, तो वहाँ पे बंदर आके मेरा प्रसाद छीन के ले गया। सो गाइस जो आते समय हम लोग जो चढ़ाई करके आए थे तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है, काफ़ी मतलब स्लो है इसका, काफ़ी चढ़ाई करके आए थे तो अभी जाते समय तो हम लोग को उतना मतलब बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा चढ़ाई था वो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मौका मिले। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।